दोस्तों मैं आ गया हूँ एक और नए कंपैरिजन वीडियो के साथ। 15,000 के रेंज में आपको बहुत सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। इसी रेंज में दोस्तों इन्फिनिक्स ने अपने एक और नए स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है इंडियन मार्केट में, इन्फिनिक्स 08i के नाम से। दोस्तों इस स्मार्टफोन को हम कंपेयर करने वाले हैं 15,000 के रेंज में रियलमी के द मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन रियलमी 7 से। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही फोन्स की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको पीछे के साइड में पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिलती है, वहीं आपको इन्फिनिक्स के 08i में आपको डायमंड कट दोस्तों टेक्सचर्ड डिज़ाइन देखने को मिलता है, जिसमें आपको कैमरे का जो डिज़ाइन है दोस्तों वो डायमंड कट जैसा देखने को मिलता है। वहीं आपको रियलमी के 7 में आपको पीछे के साइड में डुअल कलर टेक्सचर डिज़ाइन देखने को मिलता है, जिसमें आपको क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। दोस्तों डिज़ाइन वाइज दोनों ही फ़ोन आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। दोस्तों डिज़ाइन सभी का अपना अपना पसंद होता है। दोस्तों आपको कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा कॉमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। हालाँकि दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन आपको अच्छे दिखते हैं। दोस्तों डिज़ाइन के बाद अब हम बात करते हैं दोनों ही फोन्स की दोस्तों डिस्प्ले की। तो दोस्तों डिस्प्ले वाइज आपको क्लियर कट विनर होता है इन्फिनिक्स का 08i, क्योंकि इसमें आपको बड़ा 17.4 सेंटीमीटर यानी कि 6.85 इंच का फुल HD का और 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों इसमें आपको 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिलता है। वहीं आपको Realme 7 में 6.51 सेंटीमीटर यानी कि 6.5 इंचेज का फुल HD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिलता है। हालांकि इस फोन में भी आपको 19 हर्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन आपको इन्फिनिक्स के 08i में ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले मिलता है Realme 7 के मुकाबले, जिससे आपको वीडियो या फिर गेमिंग करते समय दोस्तों अच्छा एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही फोन्स की बैटरी की। तो Realme का दोस्तों जो 7 है वो बैटरी कंपैरिजन में आगे निकल जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। साथ ही इसमें आपको 30 वाट का चार्जर बॉक्स में देखने को मिलता है। वहीं आपको इन्फिनिक्स के 08i में 4500 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ये फ़ोन भी आपको 33 वाट का चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन दोस्तों इसके बॉक्स में आपको केवल 18 वाट का ही चार्जर देखने को मिलता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही फोन्स की अगर परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों दोनों ही फोन्स में आपको MediaTek का ही प्रोसेसर आता है। दोस्तों प्रोसेसर के कंपैरिजन में आपको Realme का 7 थोड़ा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें आपको MediaTek Helio का ही G95 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। वहीं आपको Infinix के 08i में आपको G90 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोस्तों प्रोसेसर दोनों ही आपको सेम मिलते हैं। साथ ही दोस्तों ये दोनों ही प्रोसेसर आपको 12nm का टेक्नोलॉजी पर बेस्ड मिलते हैं। हालांकि आप दोनों ही प्रोसेसर को अगर रेगुलर यूजिंग में आप दोस्तों देखेंगे तो ये दोनों ही प्रोसेसर में आपको स्मॉल डिफरेंस भी नज़र नहीं आएगा। आपको ये दोनों ही प्रोसेसर अच्छे गेमिंग के साथ ही बेस्ट आपको मल्टीटास्किंग और दोस्तों बेस्ट गेमिंग का भी एक्सपीरियंस दे देगा। वहीं आपको इन्फिनिक्स के 08i में लिक्विड कूलिंग का भी दोस्तों सपोर्ट मिलता है, जिससे आपको हाई गेमिंग करते समय हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। और वहीं आपको रियलमी के 7 में ऐसा कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलता है, इसलिए दोस्तों इन्फिनिक्स इसे थोड़ा सा आगे निकल जाता है इस फीचर के साथ। दोस्तों हम बात करते हैं दोनों ही फोन्स की कैमरे की। तो नो डाउट दोस्तों यहाँ पे रियलमी का 7 जो है क्लियर कट विन होता है कैमरे के मुकाबले, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर मिलता है IMX686 का। वहीं आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, साथ ही 2MP और +2MP का कैमरा देखने को मिलता है। वहीं आपको इन्फिनिक्स के 08i में 48MP का ही कैमरा देखने को मिलता है, साथ ही आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड के साथ ही 2MP और एक AI लेंस भी देखने को मिलता है। दोस्तों Realme 7 में आपको कैमरा ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, जिससे आपको बेटर वीडियो और दोस्तों फोटो आपको देखने को मिलेंगे इन्फिनिक्स 08i के कंपैरिजन में। दोस्तों हम बात कर लेते हैं दोनों ही फोन्स की अगर फ्रंट कैमरे यानी कि सेल्फी कैमरे की। तो दोस्तों इन दोनों ही फोन्स में आपको 16MP का पंच होल वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों इन्फिनिक्स के 08i में 8MP का दोस्तों अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी आपको फ्रंट में देखने को मिलता है, जिससे आपको इन्फिनिक्स का 08i में दोस्तों फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा कंपैरिजन में इन्फिनिक्स का 08i आपको विन कर जाता है Realme 7 से, क्योंकि इसमें आपको डुअल दोस्तों सेल्फी कैमरा मिलता है 16+8MP का। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही फोन्स की अगर सिक्योरिटी की। तो दोनों ही फोन्स में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ही आपको फेस लॉक का भी फीचर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छे से काम करता है इन दोनों ही फोन्स में। अब हम बात करते हैं द मोस्ट हाईलाइटेड फीचर ऑफ इन्फिनिक्स 08i। इसमें आपको 8GB प्लस 128GB के साथ ये फ़ोन आपको 14,999 रुपीज़ में देखने को मिलता है। दो ही आपको इसी प्राइस रेंज में रियलमी के 7 में केवल 6GB की रैम और 64GB का ही स्टोरेज देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके लिए दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है।
दोस्तों आपको एक बड़ी डिस्प्ले चाहिए, साथ ही आपको डुअल पंच होल दोस्तों सेल्फी कैमरा चाहिए, साथ ही इसके साथ ही 180 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट चाहिए, और दोस्तों साथ ही इसके साथ आपको लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट चाहिए, तो आप इन्फिनिक्स के 08i की तरफ जा सकते हैं। हालांकि दोस्तों आपको केवल और केवल बेटर कैमरा ही चाहिए और साथ ही एक बड़ी बैटरी के साथ अगर फास्ट चार्जर भी आपको चाहिए तो दोस्तों आप रियलमी के 7 की तरफ जा सकते हैं, जिसमें आपको दोस्तों 5000 mAh की बैटरी के साथ ही दोस्तों एक 13 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको 6.5 इंच के फुल HD प्लस की डिस्प्ले भी मिलती है। ये फ़ोन आपको 6GB और 64GB के साथ 14,999 में मिलेगा। दोस्तों इस फ़ोन के लिए भी आप जा सकते हैं। दोस्तों इन दोनों ही फोन्स में से आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद नहीं आई हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि वीडियो पसंद नहीं आई है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।